नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कनास फार्मिंग यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, मेरे पास बहुत से लोगों का फोन आया था और वह जानना चाहते हैं कि बकरियों को हरा चारा कौन सा खिलाना चाहिए। आज हम एक ऐसे चारे के बारे में चर्चा करेंगे जिसे हिंदी में रचका बीज कहते हैं और इंग्लिश में अल्फा अल्फा सीड कहते हैं। अगर आप खरीदते हो तो इस बीज का पैकेट आपको इस प्रकार मिलेगा। एक बार बोने पर यह 4 साल तक जिंदा रहता है। अल्फा अल्फा ठंडी के मौसम का एक बारहमासी फलीदार पौधा है। अल्फा अल्फा को पूरे संसार में पशु के चारे के रूप में उगाया जाता है और मुख्यतः इसका प्रयोग दूध देने वाले पशु के चारे के रूप में होता है, क्योंकि इसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है और पचाने वाले रेशे अधिक होते हैं। मूल रूप से इसका उपयोग मांस प्रदान करने वाले जानवरों, घोड़ों, भेड़ों और बकरियों के चारे के रूप में किया जाता है। अल्फा अल्फा का प्रयोग हर्बल दवाइयों के रूप में करीब 1500 वर्षों से हो रहा है। अल्फा अल्फा में प्रोटीन, कैल्शियम और अन्य धातुओं का विटामिन में अन्य धातुओं के विटामिन में बी समूह, विटामिन सी, विटामिन ई और विटामिन के की अधिकता होता है। बीज ऐसा दिखता है। ये मेथी जो उगाते हैं अपन, मेथी के बीज से थोड़ा सा छोटा होता है। खेत में एक ऐसी क्यारी बनाई जाती है। ये जो क्यारी बनाए उससे पहले पानी वगैरह खेत में नहीं देना, ये पूरा सूखा रहना चाहिए। सूखी जमीन पे ही इसको डालना चाहिए। जो आप बीज लाए हो रजका का, वो सूखी जो जमीन रहती है उसमें ही डाल देते हैं। हालांकि जैसे मेरे पास पूरा लगा हुआ है ये, पर आपको बताने के लिए कि किस प्रकार इस बीज को लगाते हैं खेत में, उसके हिसाब से जैसे ये पानी है और पानी में मैं थोड़ा सा बता दूं कि किस प्रकार इसको लगाते हैं। ये इस प्रकार हाथ में लेके जो क्यारी है आपकी, उसमें थोड़ा सा ऐसा डाल देते हैं धीरे धीरे। ये एक जैसा बीज गिरना चाहिए सभी जगह पे, पूरी क्यारी में एक जैसे बीज गिरना चाहिए, तो एकदम से आपको अच्छा रहेगा। इसको उगने में भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो दोस्तों, जैसे अपन ने बीज लगा दिया है, अब ये बीज 6 से 7 दिन में जमीन से बाहर आ जाएगा और जमीन से बाहर आने के बाद ये 20 से 25 दिन में ये 1 से 1.5 फीट इस टाइप का हो जाएगा। और अगर इतना बड़ा हो गया तो ये समझो कि काटने लायक हो जाए। जैसे हो गया काटने लायक, उसके बाद इसको काटना है, तो अगर काटेंगे तो जमीन से नहीं उखाड़ेंगे, इसको तने में पकड़ के काटेंगे। जैसे ये काटा हुआ है और ये रीग्रोथ हो गया इसका, जैसे इसकी लाइफ है ना 5 साल तक रहती है, वो 5 साल में अब इस प्रकार का अगर काटोगे तो हमेशा ये वापस से रीग्रोथ हो जाएगा। और कभी ये बोलना चाहिए कि हमेशा चलता है ये। अब आपको बता दूं कि काटते कैसे हैं। तो जैसे ये पौधा पकड़ा अपन ने और इसको जमीन से हाइट पे जो तना है उसको काटते हैं।
तो दोस्तों आप देख सकते हो कि जैसे मैंने ये चारा काट के बकरों को डाला है, तो ये हरा चारा बहुत चाव से बकरे खाते हैं। और जैसे इससे पहले मैंने सूखा चारा डाला था, तो सूखा चारा बकरा खाता है, पर जैसे अगर हरा का चारा आप ऐसे काट के दोगे तो बहुत उसको स्वाद अनुसार खाएगा और बड़े स्वाद लेके खाएगा। तो जैसे आप एक काट दिया तो आप दो चीज कुछ चीजें ऐसा है जो आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जैसे ये चारा अगर आपने उगाया है और बकरों को खिलाते हो, तो कोशिश करें कि एकदम से ज्यादा एकदम से बहुत सारा ढेर नहीं दे, कम कम उनको दे, कम क्वांटिटी में दो, ताकि जो उसका पाचन है उसका बना रहे। और एकदम जैसे सुबह शाम आप इसको चारे को एक साथ नहीं दे सकते हो, दोनों टाइम अगर देते हैं तो इसमें क्या रहता है कि बकरों को दस्त होने की बहुत प्रॉब्लम होगी। और दस्त होगा तो कोई सा बकरा आपको दस्त होगा, आपके बकरे को दस्त होगा तो उसका वेट वगैरह बहुत कम होगा। तो कोशिश करें कि कम कम से कम दे और एक टाइम दे, और जब एक बार ये उसको सूट होने लग गया, उसके पाचन में अच्छा होने लग गया, तो ज्यादा उसकी क्वांटिटी बढ़ा दे, बकरों को चारे की क्वांटिटी बढ़ा दे। और यकीन नहीं मानेंगे दोस्तों, इस चारे से बकरों को बहुत फायदा रहेगा, और जो दाना वगैरह आप देते हो उसकी भी क्वांटिटी कम कर सकते हो उसमें, और जो खर्चा है आपका वो कम हो जाएगा बकरी पालन में। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको इस प्रकार का वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये कोई खरीदना है तो नीचे में डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक आपको दे दूंगा। इंडिया मार्ट पे ये मिल जाएगा, अमेजोन पे भी मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर कुछ भी ऐसे क्वेश्चन अगर आपको पूछना है तो मेरे जो कमेंट बॉक्स है उसमें डाल सकते हो। और वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।